मम्मी की टी पार्टी। डिंग डिंग। मैं आ गया। मुझे टी पार्टी में बुलाने के लिए तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अंदर आ जाओ हमारा। आंटी आपको पता है केनिची हमेशा मेरी मदद करता है। दोस्तों एक दूसरे की मदद करते ही रहते हैं। अंदर आ जाओ। थैंक यू आंटी जी। केनिची हमारा आ गया है। ये कहाँ से टपक पड़ा? इस चप्पड़ गंजू को किसने बुलाया? मैंने तो बस युमिको को बुलाया था। केनिची तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, आखिर हमारा भी तुम्हारा दोस्त ही है ना। यही तो मुश्किल है। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया ना आंटी। कोई बात नहीं, युमिको भी बस किसी भी समय आने ही वाली है। ठीक है। केनिची हमारा बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ? अरे पार्टी में अब क्या हम इसमें चाय पियेंगे? इसमें तो गर्म पानी है, ये देखो। तोड़ दिया। मुझे शांत रहना होगा, मुझे शांत हो जाना चाहिए। शांत शांत, काश मैं किसी तरह इसे जोड़ सकता। क्या करूँ क्या करूँ, अब क्या करें? आइडिया। गम गम का, गम गम ढूंढो ढूंढो, गम का है, गम का है, ढूंढो ढूंढो, शाबाश। चिपक जा रही, चिपक जा, टूटे हुए बोल तो चिपक जा, चिपक जा रही, चिपक जा। अरे वाह, हेलो हो गया। हेलो दोस्तों। अरे युमिको तुम आ गई। क्या बात है, तुम तो बिल्कुल गुड़िया लग रही हो। वाओ। अरे ये तो वही बाउल है, अब क्या? नहीं नहीं, ये तो अभी सूखा भी नहीं है, किसी भी समय टूट जाएगा। क्या हुआ हमारा, तुम कुछ कह रहे थे क्या? नहीं, मैं वो कह रहा था कि ये बाउल बहुत ही खूबसूरत है आंटी जी, वाकई। अरे वाह, तुम्हारी नज़र तो पारखी है। ये चीनी मिट्टी का बोल सचमुच बहुत ही खूबसूरत और बेमिसाल है, इसकी मजबूती की तो बात ही और है। हाँ, चीनी मिट्टी के बर्तन का तो कहना ही क्या, वो तो हम लोगों की शान और पहचान है। बेकार की डींगे मार रहा है। और आंटी आप चाय भी बहुत अच्छी तरह बना रही हैं, देखकर मजा आ रहा है, तो पीकर कितना मजा आएगा। ओ हमारा, ऐसा है तो चलो पहली चाय तुम ही ले लो। पहले मैं लूंगा। नहीं नहीं केनिची, ये चाय आंटी ने मेरे लिए बनाई है, प्लीज पहले मुझे पीने देना। छोड़ दो इसे, ये चाय मेरी है, पहले मैं पीऊंगा। केनिची टूट गया भाई, टूट गया, टूट गया भाई, टूट गया। वो टी बॉल मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था। आई एम सॉरी मम्मी। आखिरकार मैंने अपनी गलती का इल्जाम उसके ऊपर लगाई दिया। मुझे यकीन है वो आंटी की जबरदस्त डांट खा रहा होगा बेचारा। केनिची तुम बहुत लापरवाह होते जा रहे हो, आने दो आज पापा को घर वापस, वो ही तुम्हारी आकर ठिकाने लगाएंगे। केनिची दिल छोटा मत करो, बहुत ही छोटा सा बोल था। चलो हम तुम्हें डांट खाने से बचाने का कोई तरीका सोचते हैं। हाँ, हम सोचते हैं। ओहो, ये क्या, बोल के टुकड़े पर गम लगा है, यानी किसी ने बोल गम से चिपका रखा था। घबराओ नहीं केनिची, मुझे पता है कि ये बोल तुमसे नहीं टूटा है। ये बोल पहले ही टूट चुका था और किसी चिपकू ने इसे चिपकाने की कोशिश की थी। किसकी है यह शलालत? ओ झूठे हमारा, झूठ बोलकर यहाँ तफरी मार रहे हो? कौन है यहाँ? मैं झूठे बच्चों को पकड़ने वाला भूत हूँ। वो बोल तुमने तोड़ा था ना, जाओ और जाकर अपनी गलती मानो वरना। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं तोड़ा था। मुझे झूठ की बदबू दूर से ही आ जाती है, अगर तुमने फिर से झूठ बोला तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। प्लीज नहीं नहीं, ऐसा मत करना प्लीज प्लीज। तो फिर जाओ और अपनी गलती कबूल करो। अजीब बात है, लकड़ी के पुतले का तो मुंह भी नहीं हिल रहा, तो ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज तो निंजा टेक्निक से बदली हुई लग रही है, देखना पड़ेगा। ये 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 ये। अभी पता चलेगा। तो मेरा शक सही निकला। बोल तुमने तोड़ा है और बेचारे केनिची को तुमने बड़ी सफाई से इस मामले में फंसा दिया, इसलिए जाओ और जाकर अपनी गलती मान लो हमारा। चल चल जाने दे हवा में। डिंग 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 डिंग, रुक जाओ हमारा। पलट पार करने की निंजा टेक्निक, बच के कहां जाओगे?
डिंग 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 डिंग, अरे कहाँ चले गए ये दोनों? हाँ, डिंग डिंग डिंग। ये छिपने की निंजा टेक्निक ही आज हम दोनों को बचाने वाली है। डिंग 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 डिंग। अच्छा तो वहाँ छिपे हैं दोनों। डिंग डिंग। टेंपल की बेल तो बजा लूं। डिंग डिंग। जोर लगा के हाय शा। डिंग डिंग। आसमान कभी झुकता नहीं, निंजा हथौड़ी कभी रुकता नहीं। अरे जा, बच्चे की जान लगेगा, मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है। अरे मैं गलती मानता हूँ, बस करो भाई, कोई तो बचाओ। अच्छा तो बोल, तुमने तोड़ा था, लेकिन अब जब तुमने सामने आकर अपनी गलती मान ली है, इसलिए अब तुम्हें डांट नहीं पड़ेगी। मुझे प्लीज डांटिए आंटी, मेरे दिमाग के नीले तार तभी कसेंगे, प्लीज डांटिए ना। डिंग 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 डिंग। अगर ये फूलदान टूट जाता तो हमारा बम की तरह फूट जाता। डिंग डिंग। अनाथ बेबी बिल्ली का नाथ बन गया कियो। डिंग डिंग। सच में आज तो बहुत मजा आया। आज की शाम एक मजेदार शाम थी, है ना? हाँ बिल्कुल। मैं घर आ गया। हर रोज आए। पापा भी कभी कभी हद कर देते हैं। जल्दी से दरवाजा खोलो। कितना शोर है यहाँ, रात को भी सोने नहीं देते। ये हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है? कितनी हो रही है? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे भूख लगी है, थोड़ा दूध चाहिए। अच्छा अच्छा, रुको, ला कर देता हूँ मैं तुम्हें। तुम वही रुको। मिल गया दूध। वाह! ये लो, जल्दी जल्दी पी लो दूध। हाँ, ये बिल्ली कहाँ से आई? प्लीज मुझे बचाओ पापा। म्याँ म्याँ। शिशि मानू, क्या ये तुम्हारी बच्ची है? अगर ऐसा है तो तुमने अभी तक इसे कहाँ छुपा रखा था? अरे नहीं नहीं मम्मी, जैसा आप समझ रही हैं वैसी कोई बात नहीं है। मैं एक डॉगी हूँ तो मेरी बेटी एक बिल्ली कैसे हो सकती है? इसका मतलब इस छोटी सी बिल्ली को यहाँ कोई छोड़ गया है। कोई छोड़ गया है? ये देखो केनिची, हमारे घर के दरवाजे पर कोई ये पिंजरा रखकर चला गया था, और ये छोटी सी बिल्ली भी इसी में से निकली होगी। हमें इसके मालिक का पता लगाना है। पर हम कैसे पता लगा सकते हैं? ओए कियो के बच्चे, क्या हुआ? गला फाड़ के क्यों चिल्ला रहे हो? आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता कियो। मैं इस बिल्ली के बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानता। बेचारी। ओहो, कहा ना, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तुम लोग मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई है? प्यारे बच्चे, इधर देखो, मुझे देख के डरना बंद करो प्लीज। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बिल्ली के बच्चे के मालिक को ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। जब आप इंसान के बच्चे के खोए हुए मम्मी पापा को ढूंढ सकते हैं, तो बिल्ली के क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि वो गलत बात। मुझे समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें। अरे भाई, हम शहर के सारे बिल्ली बिल्लियों से पूछ लेते हैं। ठीक है, बिल्ली की भाषा बोलने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। क्या जैसे बिल्ली मम्मी का कोई छोटा बिल्लू बेबी खोया है? क्या जैसे बिल्ली मम्मी का कोई छोटा बिल्लू बेबी खोया है? क्या जैसे बिल्ली मम्मी का कोई छोटा बिल्लू बेबी खोया है? लगता है बिल्लियों की मैराथन चालू है। क्या आप बिल्ली बिल्लियों में कोई जानता है कि ये किसका बच्चा है? नहीं, 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 नहीं।
क्या आप लोगों ने किसी खोए हुए बिल्ली के बच्चे के बारे में कोई ब्रेकिंग न्यूज सुनी है? लगता है हमारे इलाके की बिल्लियों को इस बारे में कुछ नहीं पता। रोती है तो अच्छी लगती है। अब हम लोग क्या करें हथौड़ी? मैं कुछ न कुछ तरकीब सोचता हूँ। बड़े बड़े खेल में छोटी छोटी चोटें लगती रहती है। वाह क्या बात है कियो। क्या बात है बेबी, तो एकदम चुप हो गई। हाँ, अपनी लाइफ सेट हो गई। लगता है पापा घर आ गए हैं। असल में कल रात को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं गलती से मेरी किटी को आपके दरवाजे पर छोड़ गया था। अच्छा, तो वो आपकी बिल्ली है? मैं सोच रही थी अचानक आई कहाँ से। इसे साथ न ले जाने की वजह से मेरी पत्नी और मेरी बेटी मुझसे बहुत नाराज है। आओ आओ किटी, मेरे पास आ जाओ। आओ आओ। अरे घबराती क्यों हो, मेरे पास आ जाओ। लगता है किटी कियो को छोड़कर नहीं जाना चाहती है। सही कहा, कियो भी बिल्कुल असली वाले पापा की ही तरह उसकी देखभाल करता है। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, लेकिन ये बिल्ली इनकी है तो इसे इनके साथ जाना होगा। चलो जाओ यहाँ से। इस बिल्ली ने परेशान कर करके दिमाग खा लिया था। दोबारा मेरे पास मत आना, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। आजा मेरी किटी। आइंदा मुंह मत दिखाना। कुछ खाने को है क्या? कुछ है? हाँ मछली, ये लो, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। मेरी किटी का ध्यान रखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर इस कियो के बच्चे ने उसके साथ ऐसा क्यों किया हथौड़ी? जहाँ बिरहो खुश रहना। कभी कभी ना चाहते हुए भी हमें कुछ काम करने पड़ते हैं। डिंग डिंग। केनिची चला आइस स्केटिंग सीखने। डिंग डिंग। केनिची इधर आओ, मैं यहाँ हूँ। इधर केनिची, इधर। तुम मुझसे बच नहीं सकती युमिको, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। कहाँ हो, कहाँ हो? अरे अभी तो यही थी, कहाँ गई मेरी प्यारी युमिको, कहाँ चली गई? चल के देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ हूँ मैं, सुनो ताली की आवाज, मैं हूँ यहाँ। तो मैं आ रहा हूँ। यहाँ हूँ मैं, यहाँ। पकड़ लिया। वाह युमिको, तुमने मेरी नाक पकड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अमारा तुम? युमिको ने तुम्हारी नाक नहीं पकड़ी थी, वो तो चूहा था, चूहा। अमारा तुम यहाँ क्या हुआ? ऐसे आँख पर पट्टी बांधकर तो बच्चे खेलते हैं, हम बड़ों का मजेदार खेल खेलेंगे। खेलोगी मेरे साथ? बोलो ना युमिको। बड़ों का मजेदार खेल, वो क्या है? अरे हम आइस स्केटिंग करेंगे ना। लेकिन मुझे आइस स्केटिंग करनी नहीं आती। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। बोलो अब खेलोगी? क्या सचमुच? तुम बहुत जल्दी काफी अच्छी आइस स्केटिंग करना सीख जाओगी, यकीन मानो। तब तो मजा आएगा। मेरे पास आइसलैंड की दो एंट्री टिकट्स हैं जहाँ मैं तुम्हें आइस स्केटिंग सिखाऊंगा। तो फिर चलो जल्दी चलते हैं युमिको, वक्त कम है। तू शक्ल देखता है। ठेंगा। युमिको प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। इस अमारा के बच्चे को देख लूंगा। पहले मैं करता हूँ, ओके? तुम सिर्फ देखना। ये मैं चला। आइस स्केटिंग करते हुए रेनबो ब्रिज बनने की निंजा टेक्निक, और अब हवा में चरखी बनना। ये अरे वाह मारा, क्या बात है। आओ युमिको, अब तुम्हारी बारी है, चलो मेरे साथ। हाँ ऐसे ही कंधे से कंधा मिलाकर चलो, बहुत बढ़िया कर रही हो तुम युमिको। अरे वाह, बड़ा मजा आ रहा है। हाँ और मुझे भी। अब तुम क्या करोगे केनिची? केनिची तुम्हें तो स्केटिंग नहीं आती है ना? मैं जल्द से जल्द उसे सीखना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ प्रैक्टिस करने आया हूँ। लेकिन ये जगह स्केटिंग सीखने के लिए सही नहीं है केनिची। कोई बात नहीं, अमारा को हराने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शिंजो मम्मी पापा।
बचाओ मुझे। अरे भूकंप आ गया। अरे ये क्या हो गया? हथौड़ी, जल्दी से आइस स्केटिंग सीखने वाली कोई निंजा टेक्निक नहीं है क्या? नहीं केनिची, ऐसी कोई टेक्निक नहीं है। लेकिन क्या तुम इस मामले में मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? प्लीज मेरी मदद करो ना, करो ना हथौड़ी। केनिची तुम ही ना। क्यों नहीं हो सकता, उसके बारे में क्या पूछना? लेकिन ब्लैकी से तुम सीख सकते हो। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से आइस स्केटिंग सीखकर युमिको के साथ मैदान में उतरना है। डिंग डिंग, ठीक है कुछ करता हूँ। अरे वाह, मजा आ रहा है। आ गए हम सब मैदान में। देखो वो स्केटिंग कर रही है। युमिको तुम मेरे साथ स्केटिंग करोगी? लेकिन तुम तो स्केटिंग नहीं जानते ना। और जो चीज नहीं आती वो करनी भी नहीं चाहिए। चलो देख लेते हैं। अपनी तो निकल पड़ी। अब चांद को छूकर वापस आता हूँ। मैं वापस आ गया, कैसी रही? केनिची कमाल कर दिया तुमने तो। तुमने तो कमाल कर दिया, बहुत अच्छे। चलो साथ में आइस स्केटिंग करते हैं। हाँ। ओ वाह। शाबाश, शाबाश। अब इसने ये सब कब सीखा? कहीं इसके पीछे किसी और का तो हाथ नहीं है ना? क्या मतलब बॉस? ये तो मेरे ही पीछे पड़ गया। डिंग 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 डिंग। अच्छा तो ये हथौड़ी है। हाँ वैसे भी वो डबल बैटरी खुद क्या कर सकता है। अरे उसने मुझे देख लिया है। अभी देखता हूँ। या ये, ये, ये। अरे ये क्या? अरे ओ हमारा, मेरी शर्ट उठाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू वेरी मच हमारा। क्या मेरी कमर टूट गई। जाओ मैं तुम दोनों से कभी बात नहीं करूंगा। केनिची कितना मजा आया ना। ये सब हथौड़ी का कमाल है। डिंग डिंग डिंग, थोड़ी देर में मेरी यहाँ ठंड से कुल्फी जमने वाली है। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। माफ कर दो। भाई तो तुम्हें बस यहाँ से चलने के लिए कह रहे हैं। दोस्तों के लिए मुसीबत भी झेलनी पड़ती है। डिंग डिंग।